टाइम का थोड़ा क्रंच है तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ नज़ारे हैं। फिलहाल अरमानी, कोच, गुची आ चुके हैं। डू यू वॉच इंडियन वीडियोस आल्सो? हाय व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम विस्टर विलेज जा रहे हैं। विस्टर विलेज लंदन से बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं, और क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं वहाँ पे डिस्काउंट्स मिलते हैं बड़े बड़े फैंसी ब्रांड्स पर, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। और ये जगह लंदन के बाहर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बट ठीक है, एक घंटा अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्स्ट्रा लगता है। सो उसके लिए आप ट्यूब से नहीं जा सकते, इधर यू कैन गो फॉर कैब, या फिर आपको जो इसकी स्टेट रेलवेज होती हैं आपको वो लेनी पड़ेगी। ट्यूब मेरे घर से मेरे को 18,000 रुपये के करीब पड़ रही थी एक साइड की, तो मैं फिलहाल तो ट्रेन से ही जा रहा हूँ, सो दैट्स ऑल्सो देयर। एंड राइट नाउ आई एम एट मैरलबोन स्टेशन। सो मैरलबोन स्टेशन से हम बिस्तर की सीधी ट्रेन लेंगे, जिसके लिए आपको टिकट्स प्री बुक करवा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड देन वी आर गोना एक्सप्लोर हाउ बिस्तर इज, और शायद अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं शॉपिंग करने वाला हूँ इन अ बजट, बट या इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। तो अभी मैं फ़िलहाल बिस्तर के रास्ते में हूँ एंड ट्रेन में, एंड एज यू कैन सी बाहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी प्लेजेंट राइड ऑल टुगेदर। मतलब मेरे को आराम से 40 मिनट हो चुके हैं, इट्स जस्ट अ 50 मिनट जर्नी, बट 40 मिनट में पता भी नहीं लगा बिकॉज आई वॉज सो मेस्पराइज्ड लुकिंग एट द व्यूज़। सो इट्स प्रीटी चिल, और क्योंकि ये स्टेट ट्रेन है तो अगर आपको साथ में कुछ अपने खाने वाने का कैरी करना है, बुक पढ़ने के लिए कैरी करनी है, एक्सेट्रा टाइम पास करने के लिए, तो आप ईजिली कैरी कर सकते हैं, वोंट बी एन इशू एट ऑल। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड हाउ इट्स गोना बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे I'll be shopping some really good brands today. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ नज़ारे हैं जब आप विस्टर विलेज की तरफ जाइए। That is how beautiful the vibe is. So finally मैं विस्टर विलेज पहुंच चुका हूँ। स्टेशन से बाहर निकलते ही the entire shopping स्पेस स्टार्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम विलेज क्यों है, क्योंकि इसमें गांव वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, मैं मेरे ख्याल लंदन के सारे ब्लॉग्स में सिर्फ खूबसूरत ही बोलता रहूँगा। लेट मी जस्ट शो यू हाउ द एंट्री टू दिस विलेज इज़। ऑल राइट, सो जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे कुछ ऐसा नज़ारा है, यू नो द फर्स्ट बिग ब्रांड दैट यू सी ओवर हियर इज कोच, एंड देन वी हैव जिमी चू टूवर्ड्स योर राइट, एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं ओवरऑल, गुची, प्रादा, डियोर, ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर हियर। तो 3-4 घंटे फाइनली घूमने के बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। मेरे को कोच का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया, बर्बरी का कलेक्शन अच्छा था बट थोड़ा मुझे ओवरप्राइस लगा, स्पेशली क्योंकि वो लंदन का ब्रांड है। हैकेट काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, हुगो बॉस इज़ अगेन वेरी गुड, प्राडा वाज फाइन, एंड सो वाज वर्साची एक्सेट्रा। बट सी एट द सेम टाइम अगर आपका इरादा है यहाँ पर आने का तो पूरा दिन लेके आना, एक तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ ना एक फिक्स्ड बजट के साथ आना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो काइंड ऑफ डिसाइड ऑन द बजट एक्सेट्रा। तो अभी मैंने कुछ शॉपिंग करी है, फिलहाल अरमानी, कोच, गुची आ चुके हैं, और अभी मैं हैकेट पे जा रहा हूँ, और हैकेट पे जाने के बाद एक बार मेरे को न्यू बैलेंस भी देखना है। सो द गुड पार्ट इज़ यहाँ पे सिर्फ फैंसी लग्जरी ब्रांड्स नहीं, अगर आपको साथ में लेवाइस, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन, न्यू बैलेंस, अंडर आर्मर जैसे ब्रांड्स में भी इंटरेस्ट है तो वो सारे स्टोर्स भी आपको बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे और उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा, सो दैट इज़ देयर, एंड उन स्टोर्स की कलेक्शन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इट्स इवन तो मेरे फ़ोन में काफ़ी कम बैटरी बची है, और मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग अब एंड कर दूंगा, बट कुछ इतना खास हो गया है तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ब्लॉग में वो डाला जाए। सो आई मेट आइज़क खान, एंड इन्होंने मुझे पहचाना, एक बहुत ही फेमस प्रैंक था जो मैंने भारती के साथ किया था उससे, एंड ही वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। सो आइज़क, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ आर यू लाइकिंग लंदन? I like it very well. It's very good here. All right. It's very good. And where are you from? I'm from Pakistan. Did you watch Indian videos also? Because my video yeah, was I watched the prank. Oh, the that's prank amazing. Was really good. I laughed a lot.
You laughed a lot? Yeah, I laughed for an hour. For an hour? He laughed for an hour, and that's actually a big thing. तो जिन्होंने नहीं देखे वो फिर से देख लेना यार एक बार प्रैंक की वीडियो एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू आइज़ैक एनी लास्ट वर्ड्स फॉर माय ऑडियंस आउट देयर मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिम दैट्स सो स्वीट दैट्स सो स्वीट ऑलराइट द नेक्स्ट डे सो बिस्टर विलेज में काफ़ी शॉपिंग करने के बाद भी मेरा मन एक्चुअली भरा नहीं है शॉपिंग से तो अभी हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे हैं जो यहाँ की बेस्ट स्ट्रीट है शॉपिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे लिजिट सारे ब्रांड्स हैं अभी मैंने बर्शका से शॉपिंग करी है सो बर्शका इज़ ज़ारा सिस्टर ब्रांड वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है तो अगर आप लंदन आओ तो बर्शका की कलेक्शन डेफिनेटली देखना नाउ एज़ यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है बट देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स निकलते ही H&M दिखेगा वहाँ पे नाइकी का बहुत ही बड़ा स्टोर है पीछे ही ज़ारा और बर्शका है एंड आई कैन सी अ स्टोर By the name of Reserve, the Skechers, and we are heading to Selfridges right now. The next day. तो अपनी लंदन की फाइनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करने के बाद मैं फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे तरुणा मिल गई है तरुणा पोस्ट करी थी ना तो अब मैं प्राइमार्क जाने वाला हूँ टू एक्चुअली तेरा टाइम वेस्ट करने यार प्राइमार्क से भी तो शॉपिंग करनी है क्योंकि प्राइमार्क अगर बजट शॉपिंग करनी है ना लंदन में या कहीं बाहर तो प्राइमार्क इज़ वन प्लेस दैट यू मस्ट विजिट ऐसा मैंने भी सुना है तो मैं जाके देखने वाला हूँ कि क्या कलेक्शन है क्या नहीं है एनीवे आई एम बैक एट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और नाउ वी आर हेडिंग टू प्राइमार्क लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं और नहीं मिला तो फिर बॉन्ड स्ट्रीट पे LV का शोरूम है वहाँ पे कुछ देख लेंगे तो प्राइमार्क में मुझे मिल तो काफ़ी कुछ गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं और सस्ती भी हैं सबसे अच्छी बात यह है बट टाइम का थोड़ा क्रंच है तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बट जितना एक्सप्लोर कर पाया उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं आधा हो चुका है मेरा बैग ऑलरेडी बन चुका है हाँ तो तरुणा भी मुझे हेल्प कर रही है मेरी सारी शॉपिंग में और वहाँ पर मैंने ना एक्स्ट्रा लगेज लिया हुआ है तो जिसमें सारे मेरे कपड़े भी जा रहे हैं तो बिस्टर विलेज की शॉपिंग के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट घूमने के बाद मैं फाइनली अब लंदन छोड़ के जा रहा हूँ वापस इंडिया आ रहा हूँ पर मेरा शॉपिंग का जो मन है ना वो अभी तक नहीं भरा कहीं ना कहीं और मैं अब ड्यूटी फ्री पे हूँ तो मैं ड्यूटी फ्री पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाला हूँ एक्चुअली मैं वेट कर रहा था ड्यूटी फ्री के लिए मैंने थोड़ा सा बजट रख रखा था मेजरली बिकॉज अच्छा एक चीज़ है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना और अगर आप कहीं शॉपिंग करते हो तो जितना भी वैट होता है या टैक्स होता है आपको यूजली एयरपोर्ट्स पे रिफंड मिलता है UK में ऐसा सीन नहीं है बट यहाँ पे 12.5% का फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा इन केस अगर मैं यहाँ पे चीज़ों की शॉपिंग करता हूँ तो सो फाइनली मैंने ड्यूटी फ्री की शॉपिंग भी एक्सपीरियंस कर ली थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ड्यूटी फ्री नहीं रहा है मुझे ये लगा था कि वो 12.5% जो वैट बाहर लगता है वो नहीं होगा यहाँ पर बट क्योंकि जो इनके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बेसिस पे वो वाला जो वैट बाहर भी लगता है वो अब यहाँ पर भी लगता है तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट अ ड्यूटी फ्री प्लेस एनी मोर हाउएवर द ओनली बेनिफिट इज़ कि अगर आप लंदन से शॉपिंग करते हो और वर्सेस आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो कुछ चीज़ों पे आपको 10-20% ऑफ मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर कहीं कोई डिस्काउंट चल रहा है तो वो मिल जाएगा आई हैव कवर्ड बिस्टर विलेज आई हैव कवर्ड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट प्राइमार्क एंड नाउ ड्यूटी फ्री ऑनेस्टली वट आई फील इज़ अबाउट द होल शॉपिंग सीन इन लंडन इज़ कि अगर आपको डिज़ाइनर वेयर लेना है बिस्टर विलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो टू थर्सडेज़ को जाना वहाँ पर रीस्टॉक होती है कलेक्शन वीकेंड्स पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है नई साइजेस मिलेंगे और भरा बहुत ज़्यादा होता है दिस वॉट आई हर्ड क्योंकि मैं वेडनेसडे को गया था और मुझे बाद में पता लगा था कि थर्सडे को रीस्टॉक में होती है बट स्टिल आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इज़ अ क्रेजी प्लेस टू शॉप बिकॉज जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं आपको सारे के सारे एक ही रेडियस में मिल जाएंगे 2-3 किलोमीटर के जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेना और पूरा दिन आराम से रखना लास्टली ड्यूटी फ्री से बिल्कुल शॉपिंग की उम्मीद मत करना चाहे वो अल्कोहल हो लिकर हो या फिर
यू नो कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे बाहर और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सस्ते मिल जाएंगी। एनीवे आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड यू नो बाय नाउ कि लंदन जब आना है तो शॉपिंग कहाँ से और कैसे करनी है। जितनी भी चीज़ें मैंने शॉप करी हैं उसके लिए मैं डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ जो भी चीज़ें मैंने ली हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज आई हैव शॉप्ड अ लॉट फ्रॉम लंदन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टाइल इट। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं इनको स्टाइल कैसे करने वाला हूँ तो इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लेना मेरा, वहाँ पर मैं उससे रिलेटेड स्टाइलिंग वीडियोज़ भी डालूंगा। And I really hope you enjoyed this vlog and it was a great experience for you also because it was a lovely experience for a person like me who loves shopping. So yeah, that's about it. I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.